बायर और सेलर की साइकोलॉजी को कैसे रीड करना चाहिए, प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी को कैसे रीड करना चाहिए, इस वीडियो को देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि देख सकते हो कि आज 1 मार्च है, 10:33 हो चुके हैं बैंक निफ्टी में, और यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लगा रखा है। बैंक निफ्टी 46,623 पे चल रही है। अब यहाँ से बैंक निफ्टी में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरह से कामकाज कर सकता है, पहले तो हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी कहाँ पे किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। जैसे कि आप ये जो सपोर्ट जोन देख रहे हो ना, ये बैंक निफ्टी के लिए कभी बहुत बड़ा सपोर्ट जोन हुआ करता था, लेकिन बैंक निफ्टी में एक बड़ी फॉल देखने को मिली, और फॉल देखने के बाद क्या हुआ, बैंक निफ्टी रिकवर किया। प्रीवियस सेशन में 29 तारीख को देखोगे तो रिकवर किया, तो किस तरह से रिकवर किया इस चीज को समझो। यहां पे अगर जब रिकवरी को देखोगे, प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश करोगे, कैंडल की साइकोलॉजी को रीड करने की कोशिश करोगे, तो यहां पे एक चीज दिख रही होगी कि हर बार यहां पे सेलर्स की प्रेशर देखने को मिल रही है और ऑप्शन सेलर्स की प्रेशर देखने को मिल रही है। मतलब कि जो ये ट्रेंड चल रहा है ना, इस ट्रेंड में कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर बैठे हुए हैं और ऑप्शन सेलर बैठे हुए हैं। मतलब कि बायर के लिए ये आसान नहीं था मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाना, और वही सेलर, यहां वाला सेलर और यहां वाला सेलर, ये दोनों सेलर इस प्राइस एक्शन में और मार्केट के इस मूव में कहीं ना कहीं है। आप देख रहे हो केवल ग्रीन कैंडल्स के चक्कर में मत पड़ो, आपको प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन में आपको सेलर दिख रहा है यहां भी, प्राइस एक्शन में आपको दिख रहा है सेलर यहां भी, और मार्केट देखो ठीक वही प्राइस एक्शन को फॉलो कर रही है अभी भी, और मार्केट कहीं ना कहीं आपको रेंज में फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही आपको चीजों को समझना है और कोशिश करना है देखने की।